जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग वीडियो। और अभी भाई मैं तुरंत निकल रहा हूँ भिवंडी के लिए। तुरंत मतलब इसलिए क्योंकि पापा ने बुला लिया मुझे। वैसे भी कल मैं नहीं रुकने वाला था, बट आज मैं कॉलेज जाने वाला था, पर आज 12th का एग्ज़ाम है, इस वजह से मैं आ गया। प्रणय को कॉल किया तो उसने बोला कोई ज़रूरी नहीं कॉलेज आना, तो तू रुक जा वहाँ पर, तो मैं इस वजह से रुक गया था। मैं वैसे कल सुबह आने वाला था भिवंडी, बट पापा ने बुला लिया है, तो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ भिवंडी। उससे पहले ना, ये जो सोसाइटी है ना भाई, सोसाइटी में ना एक चीज़ मुझे बहुत अजीब लगा है कि ये जो सोसाइटी है ना भाई, इसमें ना यार जो 13 साल के ऊपर के लोग रहेंगे ना, यानी बच्चे, वो ना यहाँ पर खेल कूद नहीं सकते। अगर वो लोग खेल कूद करेंगे यहाँ पर तो 500 रुपये फ़ाइन लगेगा। ये इस सोसाइटी का नियम है भाई। पहली बार मैं ऐसी सोसाइटी में देख रहा हूँ। इस सोसाइटी का नाम वगैरह तो मैं नहीं बताऊँगा आपको, बस भाई बहुत अजीब लग रहा है। बाकी ना ये पीछे ना मंदिर है, नागेश्वर मंदिर, और यहाँ पर ना डेली औरत लोग आकर ना, जो आंटी होती है औरत लोग, उस लोग आकर ना भजन करते हैं भाई। शिव चर्चा करके रहता है, वो भजन करती है भाई। और ना इतनी वो लोग ना इतने ज़्यादा भीड़ में रहती है ना यार, कि यहाँ से यहाँ वो लोग भजन करते हैं और काफ़ी दूर तक सुनाई देते हैं, वो भी विदाउट माइक, कोई कुछ नहीं, वो लोग बस अपने मुँह से बोलते हैं और सब लोग एक साथ बोलते हैं ना, इस वजह से बहुत दूर तक आवाज़ आती है। तो भाई अभी मैं निकल रहा हूँ तुरंत स्टेशन के लिए। 3:35 की पकड़नी है मुझे वसई से ट्रेन। भिवंडी से डायरेक्ट भाई मैं आ चुका हूँ अभी, कहाँ पर, बहुत दिनों बाद भाई अंकल के यहाँ चाट खाने, अंकल की दुकान पे। और ये भाई एक दो दिन बाद ये मिला अभी। जब अंकल चाट देते हैं, कार्ड बंद रहती है इनके से। ये तो डोसे वाले की याद दिला रहे, देखो इनको बड़ा मजा आ रहा है। भाई दोनों इतना बुरा खा रहे, इतना बुरा खा रहे, पूरा चाट खत्म हो जाएगा। चार घंटे से खा रहे भाई, खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। अंकल डर गए एकदम। आदर्श आदर्श आदर अंकल है, किसको भी दो 6 बजे अंकल है, किसको भी दो 6 बजे के बाद दिखता नहीं, नहीं कैमरा चालू रहेगा तो मत दो, जान दो फिर मत दो, फिर मत दो। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। वो मेडिकल ना जो बता रहे, तू टेंशन में चल रहा है, कितने साल का है भाई? मैं सही बोला, इतनी उम्र में था ना, दो चीज थी, सिर्फ बूढ़ी खेलता था, सिर्फ बोरा खेलता था, बहुत बुरा खेलता था भाई। टेंशन वेंशन मत ले, कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ चार्ट खाए फिर खुश रहे। अंकल चार्ट नहीं, कार्ड बंद रहती देख। अरे तो ठीक है ना, अंकल मेरा भी इनको दे दो एक प्लेट। नहीं अंकल उसको दो। नहीं मैं नहीं खाऊंगा भैया। आगे इसकी आप बीती सुनो। 10वीं में मेरा भी फर्स्ट बेंच था, मेरा 8वीं से लेके 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं पहला बेंच। आकाश, आकाश नाम था ना भाई, बहुत छुट्टिया बनाया मेरे को। देखो ये पैंट और बेल के बीच में छिटी, कोई पकड़ नहीं सकता, बोले भाई ऐसे ऐसे हाथ लगाते हैं ना, मिले गए नहीं। पीछे रहता है ज्यादातर लोग, पीछे वाले को पकड़ते हैं, पीछे वाले जिंदगी बेकार जाती है। लेकिन लड़की लोग बहुत चला करते यार, चीटिंग क्या हार्ड करते, बहुत माइंड मतलब बहुत चला करते। अभी मेरे को चीटी लग गई,
केडी सॉल्व करूंगा अगले साल। घर वाले को पता नहीं केडी लगी है, इसको केडी लग गया। वर्षा दीदी इसको केडी लगी है। और तो बेटा तो बनाता हूँ तो बोलूँ अभी कुछ बोलूँगा, कैमरा बंद कर लेगा ना वो तो बंद ही होगा पता है ना। मिर्ची चुरा के लेके आया ऐसा बोल रहा था, बहुत बुरा लग रही है, बहुत बुरा। तीखा बना ये देखो ढूंढ रहे हैं ये फंस गया सी है गजब बेइज्जती है। ये उनके बड़े भाई है भाई साहब। आ गया ना मजा भाई। चौथा आदमी भी आ गया भाई, तीसरा आदमी भी आ गया काम के। जब ये पैदा हुआ घर वाले बोलते मजाक हो गया, लड़का नहीं हुआ भाई। कैमरा चालू करता है बात बात पे, व्लॉग व्लॉग सब घर वाले देखते हैं। कैसे देखते हैं पता है, इतनी बड़ी टीवी है, टीवी चालू करते हैं, भाभी मम्मी दीदी भैया बाजू वाली आंटी उसके बाजू वाली आंटी कैसे बैठे देखते हैं। चलो भाई भाई एक नंबर भाई है, हम लोग से पूछते हैं भाई क्या करते हो, तो हम लोग जवाब दे भाई हम लोग की पत्रे की दुकान है। तो पूछता है किधर है पत्रे की दुकान, तो फिर हम लोग क्या जवाब दिए, दुकान पत्रे की उस समय मार गिरा ली है। तो भाई हैरान हो गए गाइस, मैं और गोलू अभी चढ़ गए हैं भाई खाने के बस में। यहाँ पे देखो स्टॉप है, पब्लिक आ रही भाई, आन दो आन दे आन दे आन दे, जाओ 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 भाई। मैं और ये चढ़ गए हैं ना कल्याण की बस, अरे थाने की बस में, और हमको जाना है रावजी नगर तक का। अभी आएगा ना टीटी आ रहा है भाई, बोलेगा तो हम लोग बोल देंगे हमको जाना है कल्याण। दो कल्याण अरे यार भाई उतरा उतरा हमको हमको ना बस यहाँ से ना 15-20 कदम आगे और जाना था। This is called business. ये देखो ये है भाई कल्याण वाली बस, ये है कल्याण वाली बस, एसी बस 20 रुपया। भाई मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इससे जाओ। हाँ ये वाली बस से जाना चाहिए भाई, बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा आया ऐसे करना भाई। ये देखो फिर मिल गए ये लोग। चलो भाई भाई मैं जा रहा हूँ, जिंदा हो जा रहा हूँ भाई दूध लेने अभी। गाइस रात के लगभग बज चुके हैं 10:30 और मैं आ चुका हूँ घर घर पे, और गौरी मेरे पास एक रिक्वेस्ट लेकर आई है। क्या रिक्वेस्ट है गौरी बोलो। जोर से बोलो, जोर से प्लीज पापा को फोन कर दो। तो भाई ये ऐसा रिक्वेस्ट क्यों है, पापा को फोन कर दो, पापा या डैडी दोनों में से किसी को फोन करके बुला लो। पता है ऐसा क्यों, क्यों गौरी रीजन बताओ, जोर से बोलो, जोर से बोलो, नहीं सुन रही। दरअसल ऐसा है ना, गौरी देख रही है भाई अभी टीवी, और मम्मी जिद कर रही है कि जाके सो जा, और अगर अभी कोई आया नहीं, अगर पापा या चाचा कोई नहीं आए तो गौरी को मजबूरन जाके सोना ही पड़ेगा। लेकिन अगर पापा या चाचा आ जाएंगे तो गौरी को कोई कुछ बोलेगा नहीं भाई, तब गौरी जाग सकती है। इसलिए गौरी अब मेरे से रिक्वेस्ट कर रही है कि भैया प्लीज़, अरे देखो 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 कि फ़ोन करते, तो भाई मैं फ़ोन करके बुला लेता हूँ। वैसे भी डैडी बस आ ही रही है 10-15 मिनट में, लेकिन मुझे दीदी बोल रही गौरी मार खाने वाली है, जल्दी जा गौरी सो जा, पापा को आने में टाइम लगेगा, पापा घूमने गए। एक मिनट गाइस मैं उसको फ़ोन दे दूँ चालू करके, ये ले ये ले। तो गाइस मैं अपना ब्लॉग वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। बाकी घर का मैं बहुत जिम्मेदार इंसान बन चुका हूँ भाई 2 दिन से। बस ख़त्म आज का ब्लॉग वीडियो एंड, आज का ब्लॉग वीडियो एंड। तब अच्छा मम्मी को कॉल करोगे भाई, बड़ी मम्मी को फोन करके बोलेगी कि मम्मी को मना करे भाई। टाटा बाय बाय, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जल्दी। जय श्री राम।